अलैकुम नाज़रीन नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे जनाब सदीकी साहब से, आमिर सदीकी साहब से, और जनाब मीर साहब से, जो उमर शरीफ जो इस दुनिया में नहीं रहे उनकी वजह से सब आप दीदा हैं, और इनके भी ख्यालात जो हैं आप तक पहुँचाने के लिए हमने आपसे पूछते हैं कि वैसे तो हम सभी उमर शरीफ के बहुत ही दिलदादा थे, और आज भी उनके जो है रिस्पेक्ट में सब को एक साथ ही कुछ ना कुछ कहना चाहिए। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि उमर शरीफ के बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे। जी सदीकी साहब, हमें सब बहुत शुक्रिया, चोई सब बहुत शुक्रिया, आशियाना चैनल का भी शुक्रिया। उमर शरीफ साहब इस वक्त पूरी कौम जो है ना वो आपदीदा है। उमर शरीफ एक नाम था पाकिस्तान के लिए, एक असासा था, एज अ एक्टर, एज अ कॉमेडियन, एज अ पर्सन, सच अ ग्रेट पर्सन, सच अ ग्रेट पर्सन। एक अरसा, मेरा ख्याल है कि 3 से 4 दहाइयां जो है ना एक उमर शरीफ ने, हमने उनके ड्रामे देखे, अदाकारी पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके जो ना इन्होंने कॉमेडी में एज एक्टर अपने जो है ना वो भरपूर एक अपना अंदाज और एक अपना नाम बनाया। तो उनके जाने का जो है ना वो यकीन करें एक दिली मलाल है, और एक कॉमेडी की दुनिया में एक खला जो है वो रह जाएगा। नाज़रीन अब आपकी मुलाकात कराते हैं प्रेजेंटर से, जो कि बहुत ही अफसरदा है, और इनसे भी बात करते हैं। जी सर, जी थैंक यू वेरी मच हामद, और थैंक यू वेरी मच जुवेल भाई, और आशियाना टीवी का शुक्रिया कि आपने उमर शरीफ के हवाले से मुझसे पूछा है। ऐसे असल में लोग जो है ऐसे फनकार आप कह रहे हैं कि सदियों बाद पैदा होते हैं। उमर शरीफ वो एक ऐसे फनकार थे आप कह लें कि जो बोर्न, यानी वो पैदा ही इस काम के लिए हुए थे, नेचुरल थे बिल्कुल। उनकी अदाकारी में, उनकी और उनकी बोलने में, उन्होंने टीवी पे एज ए कंपेयर शो भी किए, एज ए एंकर पर्सन भी काम किया, अदाकारी भी की, फिल्मों में भी काम किया, ड्रामों में भी काम किया, और अदब की मेरा जितनी काफ़ी जहते हैं, सिंफे हैं, तकरीबन सभी में उन्होंने वर्सटाइल एक पर्सनैलिटी थी, और उस तरह उन्होंने काम भी किया। तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो हमारी बीइंग मुस्लिम दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत और फिरदौस में आमीन जगह दे, आमीन। उनके गुनाहों को, उनकी गलतियों को, खताओं को अपने फजल से अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। और उससे बाद मैं यही कहूँगा कि ये जितने लोग थे बहुत ही कीमती हीरे हमने ये चंद गुज़िश्ता सालों में, महीनों में गंवा दिए। मोइन अख्तर थे, हसीना मोइन थी, या उमर शरीफ थे, और भी बहुत सारे नाम हैं आपको पता है जो दुनिया से चले गए। और ये वो लोग थे जो सदियों बाद, एक दफा फिर मैं कहूंगा, ये जितने फनकार हैं ये सदियों बाद किसी मुल्क का फिर दुआ है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत अल फिरदौस में जगह दे। थैंक यू।